लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मंडला के रामनगर में 15-16 फरवरी को आयोजित होने वाले आदिवासी महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते रामनगर पहुंचे। उन्होंने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मोती मंडल के समीप बैठकर तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आदिवासी महोत्सव आदिवासी संस्कृति से जुड़े लोगों का समागम है। मंडला की समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक विरासत और इतिहास से देश दुनिया को परिचित कराने के उद्देश्य से रामनगर में आदिवासी महोत्सव का आयोजन होता रहा है। रामनगर में गोंडवाना साम्राज्य का पुरातन समृद्ध इतिहास रहा है, जिसे पूर्व में कभी उचित सम्मान नहीं मिला। समाज का प्रतिनिधि और सेवक होने के नाते मैंने प्रारंभिक तौर पर रामनगर में कार्य प्रारंभ किया। मंडला के इतिहास को दुनिया जाने, इस उद्देश्य से महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी के सहयोग से आदिवासी महोत्सव का उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा भव्य शुभारंभ होगा। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, केंद्रीय जनजाति कार्य विभाग मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग मंत्री ओमकार मरकाम सहित देश और प्रदेश के विभिन्न जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। इस आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष कुछ समय से कर रहे हैं। पिछले समय देश के प्रधानमंत्री इसी कार्यक्रम इसी स्थान पे आए थे। इस बार देश के उपराष्ट्रपति इस आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे 15 तारीख को, और 15 और 16 फरवरी का ये कार्यक्रम है। और जितने भी हमारे आदिवासी संस्कृति है, परंपरा है, संगोष्ठी है, ऐसे अनेक तरह के कार्यक्रम इन दो दिनों में आयोजित होने वाले हैं। और हमारे प्रदेश के और कुछ अन्य प्रदेशों के भी प्रतिनिधि, कुछ कलाकार, ऐसे अलग अलग तरीके के लोग जो इसे संस्कृति से जुड़े हुए हैं और विशेषकर आदिवासी संस्कृति से जुड़े हों, उन प्रकार के लोगों का एक प्रकार का समागम है। और ये सब लोगों के आने की सूचना प्राप्त हुई है। हम लोग कोशिश करते हैं कि आदिवासी संस्कृति जिंदा रहे देश में, और विशेषकर ये हमारा गोंडवाना का ये साम्राज्य, गोंडवाना की राजधानी, हमारे जो पूर्वज शंकर साय, रघुनाथ साय, रानी दुर्गावती, दलपत साय जैसे महापुरुष हमारे इस गढ़ मंडला में जिनका कार्यक्षेत्र रहा है, नाथ साय जी, शंकर साय जी का ये जन्म स्थान भी रहा है, और इसलिए आदिवासी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, उसकी पहचान देश में और दुनिया में, इस इतिहास को लोग जाने, इसी दृष्टि से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को मिलकर के सब करते हैं। और इसमें सभी तरह के लोगों का सहयोग अपेक्षित रहता है, इसलिए सबका सहयोग लेते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।